सुजानपुर टिहरा के खोखा धारकों के लिए अनुराग ठाकुर राजिया वित्त मंत्री द्वारा 61 लाख के खोखों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है। बेहिंग ग्राउंड के सुजानपुर के ऐतिहासिक ग्राउंड बैठने के लिए पॉपलिन का भी शिलान्यास किया गया है, जिसके लिए अनुराग ठाकुर ने बजट उपलब्ध करवाया है। और अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता के आशीर्वाद से ही आज मैं वित्त मंत्री के कुर्सी पर विराजमान हूँ, जिसके लिए एक छोटे से जिले से चुनकर आज मैं पूरे देश पर वित्त मंत्री के रूप में कार्य करता हूं। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के द्वारा घरों के निर्माण के लिए 2022 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 2021 तक सभी सुजानपुर वासियों को मकान उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ताकि कोई भी गरीब नरेंद्र मोदी की सरकार में बिना घर के ना रह सके। ये व्यवस्था सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की थी, लेकिन अब ये स्कीम के लिए शहरों में शुरू हो गई है। संबोधन में कहा कि बाजार में 2 या 3 शौचालय नगर परिषद द्वारा बनाए जाने चाहिए, जिससे स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ बाहर से आने जाने वाली महिलाओं और लोगों को शौचालय जाने के लिए असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब और अमीर का फासले को कम करने के लिए कई प्रकार की स्कीमों में गरीब परिवारों को दी जा रही हैं, जिसमें से रेहड़ी वालों को 10,000 का ऋण बिना गारंटी के दिया जा रहा है। और विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग रहा है। वहीं धोला सीत प्रोजेक्ट के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट भी प्रावधान मात्र एक दिन में वित्त मंत्री बनने के उपरांत हमीरपुर जिला को दे दिया है, जिससे लोगों को रोजगार के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी इससे उपलब्ध होंगी। कांग्रेस के समय में ये कार्य लटका हुआ था, लेकिन वित्त राज्य मंत्री बनने के उपरांत ये पहला प्रोजेक्ट होगा हमीरपुर जिला में बनने जा रहा है, जो कि केवल ऊपरी हिमाचल में ही प्रोजेक्ट लगे हुए थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट हमीरपुर के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। ये प्रोजेक्ट 66 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा, जिससे स्थानीय व्यापारियों का व्यापार तो बढ़ेगा, लोगों को आय के साधन भी बढ़ते नजर आएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि हिमाचल के सुजानपुर मैदान में बच्चों को खेलने के लिए बेहतर प्रबंध किए जाएंगे, ताकि बच्चे ग्राउंड के बाहर ही चक्कर ना लगाएं, बल्कि मेडल जीत कर लाएं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ उपमंडल अधिकारी शिल्पा बेकटा, अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आप पिछले 6 वर्षों में देखिए कि हमने गरीब और अमीर के बीच में अंतर कम करने का प्रयास किया है। आज गरीब के घर में गैस का चूल्हा भी दे दिया, बिजली का कनेक्शन भी दे दिया, शौचालय भी दे दिया, सोलर लैंप, इंडक्शन हीटर, ये भी हमने बाकी योजनाओं के माध्यम से देने शुरू कर दिए। और पक्के मकान की अगर कमी थी 2022 से पहले, हम देश के हर गरीब को पक्का मकान बनाकर दे देंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है और वादा। जय श्री राम। भाई और बहनों, मेरा निवेदन है अशोक जी आपसे और ईओ साहब से, सुजानपुर में जितने शहर के अंतर्गत आने वाले गरीब का अगर कोई भी घर रहता है, आपको 2022 का इंतजार नहीं करना, आपको 2021 तक ही सबके पक्के मकान बनाकर देने हैं। अगर देश 2022 तक बनाएगा, हम सुजानपुर में 1 साल पहले सबके घर पक्के बनाकर तैयार करके देंगे। हम आगे चलने में शुरुआत करेंगे। इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी करना पड़े, क्योंकि पहले भी हमने 100 मकान दिए, उसमें से लगभग 80 बनकर तैयार हो गए, 21 अभी बीच में है, प्रोग्रेस में है, लगभग 48 आज करेंगे। मैं उन सबको बधाई देता हूं जिनको आज मकान की पहली किश्त मिलेगी। इस दिवाली पे आप शुरू करेंगे, मैं चाहता हूं अगले कुछ महीनों के अंदर आप बनाकर तैयार भी करें, ताकि आपको उसका लाभ भी मिल सके। और मेरा नगर परिषद से निवेदन है, कम से कम एक भी परिवार ऐसा ना हो जिसके पास शौचालय की कमी हो। अगर जमीन की कमी नहीं बना सकता, तो कम्युनिटी टॉयलेट बनाकर दें, ताकि किसी को खुले में शौच करने ना जाना पड़े। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और बाजार में भी 2-3 जगह कम से कम शौचालय की सुविधा हो, जो दूर दूर से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिमाचल।